एक और युवा कैंडिडेट डीडीसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार फायर मीडिया की टीम आपको दिखा रही है, युवाओं से मिला रही है, और इस बार डीडीसी के चुनाव में युवा काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और युवती हैं जो ब्लॉक ठाकराई से भारतीय जनता पार्टी की ओर से डीडीसी के चुनाव लड़ रहे हैं, बीच मैदान में आ रहे हैं, अरुणा रानी जी से। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर किस मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, क्यों ये मैदान में आए हैं, क्योंकि युवा जो हैं ज़्यादातर इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बीजेपी से मैंडेट मिला है, खासकर ब्लॉक ठाकराई से, देखें किस मुद्दे पर आप ये चुनाव लड़ेंगे, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो नमस्ते सबको, मेरा नाम अरुणा रानी, मैंने BA LLB किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से, और जो DDC के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं ब्लॉक ठाकराई से DDC के इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे BJP का मैंडेट मिला है। मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने हमारी जो DDC, हमारा जो ब्लॉक है वो रिज़र्व रखा लेडीज़ के लिए, बिकॉज़ लेडीज़ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे एरियाज़ में, जो कि बहुत बैकवर्ड है। लेडीज़ जिनको, जिनकी एम्पावरमेंट पावर तो है, लेडीज़ आर फुल्ली पावरफुल, बट दे आर नॉट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो लेडीज़ रिज़र्व हुआ है, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, खासकर महिला के लिए और वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं। लेडीज़ एक्चुअली अपने राइट्स तो जानती हैं, बट उनको जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा तो वो एम्पावर्ड कैसे होंगी। तो जो रिप्रेजेंटेशन मिला है उसकी वजह से लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन एक लो लेवल पे जो है बढ़ेगी, और जो लेडीज़ है उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेडीज़ अपनी जो बातें हैं वो खासकर गाँव वाले एरियाज़ में हम लेडीज़ में देखते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो मेल मेंबर्स के आगे, मतलब उनके बीच में बैठ के अपनी बातें रख नहीं पाती। जब एक लेडी उनको रिप्रेजेंट करेगी तो वो अपनी बातें भी रख पाएंगी। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, इवन की बेसिक चीज़ें भी अभी अवेलेबल नहीं है अपने हमारे विलेजेस में, लेडीज़ आगे आके अपनी बातें भी नहीं रख पाती। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन का उनको रिप्रेजेंट करना, और खाली लेडीज़ के लिए ही नहीं, लेडीज़ इवन की अगर रिजर्व भी हुई है, एक लेडी बहुत ईमानदारी से अपना काम करती है, ये हम देख चुके हैं अपने इतिहास में भी, लेडीज़ कितनी ईमानदारी से अपना काम करती हैं। तो उसके लिए जो ब्लॉक हमारा रिजर्व हुआ है उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारा ब्लॉक रिजर्व हुआ है लेडीज़ के लिए, और मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी डिमांड्स हैं हमारे लोगों की, जो हमारे ब्लॉक्स की डिमांड्स हैं, उनको पूरा कर सकूँ और अच्छे से उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। बेसिक चीज़ें हैं, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हमारी एजुकेशन, जो कि एजुकेशन आजकल सिस्टम भी चेंज हुआ है, वोकेशनल एजुकेशन हो चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो सब पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है, और बच्चों तक पहुँचानी है वो एजुकेशन, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, उनको वो पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे रोड्स ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अभी तक जब तक वो नहीं पहुँचेंगी तो हम डेवलप कैसे होंगे। तो ये ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स अब स्टार्ट हुई है, जो पंचायती राज एक्ट जो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, एक्सटेंड हुआ JNK में भी, उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 जो कि इम्प्लीमेंट एक्सटेंड हुआ JNK में, इसकी वजह से ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स डेवलप होगी। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स जो है हमारी कितनी पुरानी पॉलिटिक्स है, बट JNK इसी चीज़ की वजह से पीछे लैग कर रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि अब ये एक्सटेंड हो चुका है, और इवन कि अब जब ग्रास रूट लेवल की ये जो हायरार्की पूरी प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो बहुत अच्छे से काम होगा। तो मैं भी वही काम करने के लिए आगे बढ़ी हूँ, और वही आप सबका साथ चाहिए मुझे, आप सब मुझे अपना साथ दीजिए। अगर आपको मेरे पर भरोसा है, आप मुझे अपने इस काबिल समझते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप अपना सपोर्ट दीजिए। अरुणा जी, एक सवाल रहेगा, जब भी कोई बेटी या महिला सामने आती है या चुनाव में मैदान में आती है, तो सबसे पहली बात आती है वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण, इसके संबंधित किस तरह के स्टेप, किस तरह के कदम उठाएंगे आप अपने इलाके में? वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करें ना, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली जो है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात करें तो मैंने पहले भी कहा, लेडीज़ को अगर हम बात करें किसी लेडी से, उसको सब कुछ पता होगा कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या ड्यूटीज़ हैं, बट वो एम्पावर्ड तब होगी जब उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जब वो रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉपर तरीके से मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट
में एक ऐसे लोग होने चाहिए जो लेडीज़ की प्रॉब्लम को सुने, उनकी बातों को आगे रखें और उनकी बातों को मतलब उन पे काम करें, तो उसके लिए एक रिजर्वेशन उसके लिए सरकार ने मतलब रिजर्व रखी होती हैं सीट्स की, ताकि लेडीज़ जो हैं सबको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि लेडीज़ को हम एक बैकवर्ड सेक्शन मतलब रिवीकर सेक्शन माना जाता था, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उनकी ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए रिजर्व रखी की गई है ताकि हम उसको, वो पावरफुल तो है बट दे शुड बी एम्पावर्ड, एम्पावर्ड तभी होंगे जब उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में कदम रख रहे हैं? क्या आपको पहले से ही राजनीति में आने का या लोगों की सेवा करने का एक मन था, या किसी से प्रेरित होकर आप अचानक से राजनीति में आ रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और आपको लगता है कि आप राजनीति के ज़रिए ही लोगों तक वो बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, जो विकास है वो कर सकते हैं अपने इलाके में? आपको जब कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो आप अपनी प्रॉपर एनर्जी जो है एक सही दिशा में चैनलाइज करते हो, तो अगर ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको अवेल क्यों ना करूं? मुझे लगता है कि मुझे इसको अवेल करना चाहिए और अपने काम को पूरे सही ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे रिजर्व वार्ड हमारा जो ब्लॉक जो रिजर्व हुआ है उसके लिए मेरे को अगर मौका मिला है तो मैं क्यों ना ये मौका क्यों ना अवेल करूं? ये बहुत ज़रूरी है। और रही प्रेरणा की बात, तो प्रेरणा तो बहुत लोगों से मिलती है। मैं बचपन से ही, सच बोलूं तो मैं बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूं। मेरे फ़ैन, मैं कभी किसी बॉलीवुड एक्टर्स की फ़ैन नहीं रही हूं, मैं हमेशा एक लीडर की फ़ैन रही हूं, वो जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूं और मैं उनको बचपन से ही फॉलो करती हूं। इवन कि मैं अपनी यंगर एजुकेशन में, जब मैं स्कूल में थी, उनके बारे में बड़ा कुछ मैंने पढ़ा भी और सुना भी अपने घर में, तो जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुई हूँ। और पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने से आप कुछ मतलब एक आप में नेगेटिविटी आ जाए या आप कोई परत लग जाए आपके ऊपर गंदगी की, वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप में ईमानदारी है काम करने की, आप में जज्बा है काम करने का, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। और अगर ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसमें क्यों नहीं आके काम करूं, तो यही सोचकर मैं इस लाइन में आई हूं। कितनी विभिन्नता है, एक युवा अगर सामने चेहरा बन के आता है, कितना फ़ायदा, कितना डायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुँच सकता है ज़मीनी सतह पर? युवा का आना बहुत ज़रूरी है आगे, बट युवा के आने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों का साथ, क्योंकि बोलते हैं ना बुज़ुर्गों का होश और युवा का जोश अगर दोनों मिलें तो फिर ही जाके काम बनता है। एक युवा अकेले आगे आके भी कुछ नहीं कर सकता, मगर ये सब मिलकर करना पड़ता है, ये सब एक यूनिटी में जाके काम बनता है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आगे आई हूँ तो मेरे को भी बहुत लोगों का साथ मिला, तभी जाके मैं आगे आई हूँ। अकेले मैं अगर बोलूँ कि मैं युवा हूँ, मैं निकल पड़ूँ एक लड़ाई लड़ने, वैसा नहीं हो सकता। मुझे हर एक को, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और सबको आगे, अपने आगे रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस, उनका जो तजुर्बा है वो मेरी नॉलेज के साथ जब जुड़ेगा तभी काम बनेगा। मेरी नॉलेज अकेली कभी काम नहीं कर सकेगी जब तक ना मेरे को एक सही डायरेक्शन और सही तजुर्बा मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, आप पहले से जानते होंगे, यहाँ पर जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है, जातिवाद के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति, कितना मुश्किल कितना आसान लगता है आपको यहाँ पे राजनीति करना, खासकर इस क्षेत्र में आकर यहाँ लोगों की सेवा करना? मुझे जातिवाद या रिलीजन से कोई, मेरे को इतना मतलब नहीं रहना चाहिए। जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मेरा मेन मोटिव ही है लोगों का काम करना, मेरे को ये नहीं है कि ये किस कास्ट का है या किस रिलीजन का है। आपको लगता है ये चीज़ें आसान होने वाली हैं किश्तवाड़ में? बिल्कुल हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं अगर हम आसान बनाएं। हमें ये खुद काम करना पड़ेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि हम किसी और को जाके बोलें कि वो ठीक करे। हम पहले खुद में चेंजेस लाएंगे तभी तो जाके बाहर भी चेंज दिखेगा। जब हम खुद में चेंज नहीं लाएंगे बाहर कैसे चेंज दिखेगा? अगर हम बोलें कि ये रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं या रिलीजन के नाम पर भेदभाव करते हैं या जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, वो हम में भी कहीं कमी है। तो पहले हम अपनी कमियों को सुधारें, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं। आप मुझे बताइए, DDC के चुनाव इस वक्त कितना सही मानते हैं आप, खासकर 370 और 35 से आर्टिकल हटने के बाद? और अगर DDC के चुनाव होते हैं, लोग सामने आते हैं चुन के, कितना डायरेक्टली विकास होगा, क्योंकि ये विकास के ही संबंधित ये चुनाव हो रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा सीधे तौर पर ज़मीनी सत्र पर लोगों को पहुँचने वाला है? ये जो पंचायती राज एक्ट है 1989, ये बना ही इसलिए कि हम ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स जो है डेवलप कर सके और ग्रास रूट लेवल पे जो है गांव की डेवलपमेंट हो सके। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है, जो हमारा जो अब एक्सटेंड हुआ है, ये अमेंड हुआ है, जो हमारा एक्ट अमेंड हुआ है JNK का, तो ये ऑटोमेटिकली
ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को ही डेवलप करेगा, ग्रास रूट लेवल के लोगों को ही डेवलप करेगा। तो डीडीसी इलेक्शन, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस होंगे, जिसके ऊपर डीडीसी बैठेगा। डीडीसी एक डायरेक्ट उसका होल्ड होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, उसके अंडर जितने भी लोग आएंगे, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो डीजी अगर जो बन के आता है उसकी ईमानदारी और उसका काम ही उसको आगे ले जाएगा। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि ईमानदारी से काम करूँगी तो ही आगे जाऊँगी। आपके ब्लॉक में कितनी सारी पंचायत हैं और क्या क्या कमियाँ हैं आपकी पंचायत में? क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ आपने रोड कहा, बिजली कहा, पानी कहा, कितने इलाकों में ये सब चीज़ें हैं और कितने इलाकों में नहीं है, और आप जब चुन के आएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? हमारी ब्लॉक में जो है टोटल 11 पंचायत हैं, 11 पंचायतें हैं हमारी ब्लॉक में। तो बेसिक चीज़ें अगर आप बोलें तो अगर हम किश्तवाड़ क्रॉस करके ही अगर जाएंगे तो रोड ही आप देख लेंगे, जो बेसिक नेसेसिटी है। ये तो तीन चीज़ें, बिजली, पानी और रोड, ये तीन बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो अगर हम इनको ही पहले इनसे शुरुआत करेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। अगर हमें स्कूल एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन भी जब लोगों को रास्ता मिलेगा, रास्ता होगा, पाथ बना होगा बच्चों को जाने के लिए स्कूल के लिए, तभी तो वो स्कूल पहुंचेंगे। पहले तो रास्ते ही ठीक करने हैं, पहले हमें अपनी डोर टू डोर अपने रोड्स पहुंचाने हैं, लोगों तक रोड पहुंचाने। बिजली होगी तभी बच्चा पढ़ेगा, बिजली नहीं होगी बच्चा कैसे पढ़ेगा। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है वो सब जानते हैं। पानी का भी फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, उसको कैसे, उसको चैनलाइज करना है, उसको कैसे हम कर सकते हैं वो सब देखना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना है। नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं अगर वो साथ मिलकर आके काम करेंगे तभी सारे काम होंगे। केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं निकाली जाती हैं लेकिन उन योजनाओं का बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचता, खासकर महिलाओं के संबंधित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जो पिछले साल जो है शुरू की है, एक कैंपेन है, उसके संबंधित आप क्या कहेंगे और आप क्या समझते हैं जब इतनी सारी स्कीम्स हैं इनका बेनिफिट नहीं पहुँचता है, किस तरह से आप इन योजनाओं के ऊपर काम करेंगे अगर आप जीतने के बाद सामने आते हैं? ये जो आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जितनी भी योजनाएं आई हैं और उनका इम्प्लीमेंट कितने लोगों तक पहुंचा, कितना बेनिफिट पहुंचा, ये तो सारी डाटा की बात हो गई। जो कि डाटा अवेलेबल होगा तभी हम उस पर बात कर सकते हैं कितना डाटा एक्यूरेट डाटा। जनरल लेवल पे आप क्या, किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को इन योजनाओं के संबंध में? जनरली हमें एक, मुझे लगता है एक प्लानिंग प्लान करके एक लोगों तक ये पहुंचाने पड़ेंगे, एक कैंप्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कैंप्स जब लगेंगे लोगों को नॉलेज मिलेगी कि ये जो हमारे जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए किस लिए बनी हैं और उनका फ़ायदा क्या क्या है, वो उनको कैंप्स लगा के ही बता सकते हैं। वही पूछना चाहता हूँ, वही कैंप्स यहाँ पे नहीं लगते हैं, मैं वही चाहता हूँ कि आप पर्सनल लेवल पे अगर आप जीत कर आते हैं तो आप किस तरह से इस चीज़ को अपने ऊपर लेंगे या लोगों में लेंगे और लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे? मेरा तो काम ही यही है लोगों को तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना। ये डीडीसी बन ही इस ले रहे हैं, हम निचले स्तर तक लोगों तक ये सारी योजनाओं का बेनिफिट पहुंचा सकें, जितनी भी योजनाएं हैं इसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही कर सकते हैं। जब जीत कर आएंगे तब लोगों से मिलकर बात करेंगे, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जब बैठेंगे तभी हम योजनाएं बना सकेंगे और तभी जाके हम इसको फ्लरिश कर पाएंगे। इसको कैसे हमने योजनाओं को फ्लरिश करना है लोगों के बीच, वो हम कर पाएंगे। क्या मैसेज देंगे यहां से किश्तवाड़ की पब्लिक के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने लिए अगर उम्मीदवार चुनना है तो रिलीजन कास्ट को भूल जाओ, एक ईमानदार अपने ईमानदार फेस को चुनो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिलीजन की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको छोड़ दो और एक ईमानदार नेता को चुनो ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके। और ये पॉलिटिक्स जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायती एक्ट जो अमेंड हुआ है, ये इसीलिए हुआ है ताकि हम भी आगे बढ़ सके। और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट। तो इसके लिए एक ईमानदार इंसान को चुनो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप एक ईमानदार नेता को चुनेंगे, ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार चेहरा अगर आपके पास होगा तो ऑटोमेटिकली आपके इलाके की डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, ये इनका भी कहना है। ये एक बेटी थी, ये वकालत करके हैं, ब्लॉक ठाकराई से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, डीडीसी कैंडिडेट हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चुनाव में हिस्सा लेंगे, अपने वोट का अधिकार देंगे और कोई अच्छा सा चेहरा जो है अपने सामने लाएंगे। आप देखते रहिए फायर मीडिया।